हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो फेस वॉश का, और आज जिन दोनों फेस वॉश का कंपेयर करेंगे उसमें से पहला प्रोडक्ट अभी का शाइनिंग स्टार है। बच्चा बच्चा जानता है इसको, मतलब समझ ही सकते हो ये कितना पॉपुलर है, यानी कि मामा अर्थ उपटन फेस वॉश। और आज का दूसरा फेस वॉश एकदम ही ऑपोजिट है। इस फेस वॉश को कोई नहीं जानता, ये फेस वॉश गुमनामी के अंधकार में जी रहा है, बिल्कुल मेरे जैसे। और ये फेस वॉश पाउडर फेस वॉश है, यानी के फॉरेस्ट हर्ब नेचुरल ऑर्गेनिक उपटन फेस वॉश। मैंने सही बोला ना, कोई भी इसे नहीं जानता। आप में से अगर कोई पहले से इसे जानता है तो प्लीज कमेंट में बताओ, मुझे नहीं लगता कोई जानता है इसको। सो आज का कंपेयर पॉपुलर वर्सेस अनपॉपुलर होने वाला है, तो देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर है। सो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दोनों ने क्या क्लेम किया है। मामाअर्थ के मुताबिक उनका ये फेस वॉश स्टेन रिमूव करने में हेल्प करेगा, इसके बाद सन डैमेज को रिपेयर करेगा, डेड स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद फॉरेस्ट हर्ब ने क्लेम किया है उनका ये फेस वॉश एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। इसके बाद ये फेस वॉश एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है। देन ये फेस वॉश यूवीए एंड यूवीबी सन डैमेज को रिपेयर करता है, डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है। दैट्स ऑल्सो ग्रेट। दोनों ने लगभग एक ही बातें क्लेम किया है अपने फेस वॉश में। इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं दोनों का प्राइस। मामाअर्थ फेस वॉश का प्राइस है 100 ml का 223 रुपीस, एंड फॉरेस्ट हर्ब पाउडर फेस वॉश का प्राइस है 200 ग्राम का 199 रुपीस। प्राइस एंड क्वांटिटी वाइज बहुत ही डिफरेंस है दोनों में, एंड प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों में ही जीत जाता है फॉरेस्ट हर्ब, इसीलिए इसको मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद चलिए देखते हैं दोनों का इंग्रेडिएंट लिस्ट। सबसे पहले मामाअर्थ का वाई का क्या मतलब है? इसमें है प्यूरिफाइड वाटर, सिट्रिक एसिड, सोडियम कोको ऑयल, ग्लाइसोनेट, ग्लिसरीन, पेलामेट्रिक एसिड, कोकोनट ऑयल, वॉलनट बेस्ड, सेफ्रोन एक्सट्रैक्ट, नाइसिनामाइड, कैरोट सीड ऑयल, टोकोफेरोल एसिटेट, टर्मरिक पाउडर, लिकोरिक एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज ऑयल, इलंग इलंग ऑयल एंड पचावली ऑयल। दोस्तों, नाइसिनामाइड का साइड इफेक्ट है सेंसिटिव स्किन में, और इसमें यूज किया गया सोडियम कोको ऑयल, ग्लाइसोनेट एंड टोकोफेरोल एसिटेट, इनका साइड इफेक्ट नहीं है स्किन में, और बाकी सब तो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, और ये इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद चलिए देखते हैं फॉरेस्ट हर्ब फेस वॉश का इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें है मूंग दाल, चना दाल, नीम, मुल्तानी मिट्टी, बावन छलू, ऑरेंज पील, लेमन पील, कपूर कचारी, रोज पेटल, कस्तूरी टर्मरिक, राइस, तुलसी, मेथी एंड मंजिष्ठा। दोस्तों, इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट को मैं पहचानती भी नहीं हूँ, पहली बार नाम सुना है, और आज इनका बेनिफिट भी देख ही लिया, इसने तो दिल ही जीत लिया। सो इसके बाद चलिए चलते हैं कंपेयर के रिजल्ट की ओर। अब क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिजल्ट ही बोलूंगी, और चिंता मत करो, दो तीन ही व्यू आएंगे। सो तुम लोगों को रोना नहीं चाहिए, रोना तो मुझे चाहिए, और रो भी रही हूँ। दोस्तों, प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी तीनों के ही अकॉर्डिंग द फॉरेस्ट हर्ब नेचुरल ऑर्गेनिक उपटन फेस वॉश विनर है, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। बट आप अगर फोमिंग फेस वॉश के फैन हो तो मामाअर्थ उपटन फेस वॉश सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है इस कैटेगरी के फेस वॉश के लिस्ट में, आप इसे भी यूज कर सकते हो। बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फोमिंग फेस वॉश। मैंने करीब 5 मंथ से फोमिंग फेस वॉश यूज करना बंद कर दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ मेरे इस डिसीजन से एंड मेरे स्किन भी। सो आज का वीडियो यहीं तक, पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।